गाइज़ हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं काशिद बीच और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया काशिद बीच पे। सबसे पहली बीच थी ना हमारी ये, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग बीच पर जाने के लिए और मतलब एंजॉय करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया पानी में, बहुत पानी में एंजॉय किया हम लोगों ने। सबसे पहले तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए पानी के पास और उसके बाद रील्स वगैरह बनाए इंस्टाग्राम रील्स। अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको यहाँ के सारे फ़ोटोज़ देखने के लिए मिलेंगे जो व्लॉग के अलावा हमने एंजॉय किया है, मतलब रील्स वगैरह बनाया है वो देखने के लिए मिलेंगे और फ़ोटोज़ वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। सब कुछ वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा व्लॉग के अलावा, तो आप वहाँ पर फॉलो कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है आपके लिए। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार पहली बार। और हाँ, मैंने स्मूदनिंग किया था ना, तो मैंने ना वो स्विमिंग कैप पहन ली थी। मतलब भैया ने बोला था कि भीगना मत, बाल गीले मत होने देना, तो मैंने ना पहले दिन ना स्विमिंग कैप पहन लिया था। बट स्विमिंग कैप से क्या हो रहा था कि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था अच्छे से। जब बाल भीगते हैं ना तो अच्छे से मज़ा आता है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा था। तो इसी वजह से दूसरे बीच से क्या किया कि बाल बांधना भी बंद कर दिया, मतलब कैप से ढकना बंद कर दिया। तो इसीलिए फिर दूसरे बीच से आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया सबने, बच्चों ने भी। और अद्विक तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था अद्विक का समुंदर से, और अद्विक इतने ज़्यादा पानी में मज़ा आ रहा था ना, आपको क्या बताओ। तो उसके लिए हम लोगों ने ट्यूब वगैरह ले लिया था, बच्चों के लिए तो ट्यूब ले लिया था। उसके बाद बच्चे, कुछ बच्चे ट्यूब से खेल रहे थे, अद्विक को तो ज़रूरी था ट्यूब क्योंकि अद्विक बहुत ज़्यादा छोटा है और उसमें ट्यूब में बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आया। और हाँ, यहाँ पर अगर जाते हो आप कोई भी बीच में अगर जाते हो तो आपको जो भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने हैं या आप मतलब इंस्टाग्राम रील्स बनाने हैं या आप कोई भी वीडियोज़ बनाने हैं आपको, तो वो पहले बना लीजिए। मतलब जैसे कि आप जाते हो तुरंत बना लीजिए, उसके बाद आप जब भीगने लग जाते हो ना तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में आपका एंजॉय नहीं होता है। इसी वजह से सबसे पहले आप वो कर लीजिए, उसके बाद आप भीगने लग जाओ। और इस चीज़ का एक नुकसान और है, मतलब हमारे यहाँ पे हुआ है इसी वजह से। जैसे कि हम लोग पहले भी गणपतिपुड़े वगैरह गए थे, उस टाइम भी हमारा एक मोबाइल ख़राब हो गया था इसी चक्कर में, मतलब सेल्फी वगैरह के चक्कर में। और दूसरी बार जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो बहुत से मोबाइल में पानी चला गया है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आप मोबाइल वगैरह का यूज़ अंदर मत कीजिए। देखो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर पूरी फैमिली इन्जॉय कर रही है हमारी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह भी बाकी है हमारा, और उसके बाद हम लोग जाएंगे जहाँ पर स्टे किया था हम लोगों ने, वहाँ पर नहा वगैरह लेंगे और उसके बाद रेडी हो जाएंगे और फिर निकलेंगे मुरुड के लिए शायद। तो जैसे ही समुंदर से निकले, वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा कपड़े वगैरह वो ये किए, थोड़े से सुखाए, उसके बाद मतलब सूखने के बाद हम लोग चले गए कुछ खाने के लिए। एक्चुअली जब हम लोग वहाँ पर अंदर समुंदर में जाते हैं और मस्ती करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। इसी वजह से जैसे ही समुंदर से निकलते हैं तो खाना याद आ जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ी देर नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद हम लोग वहाँ पर गए हमारे होटल मींस वही घर में। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अद्विक एंजॉय कर रहा था यार, आप देख सकते हो मिट्टी से खेल रहा था, कुछ वो बना रहा था सबके साथ साथ, उसको भी बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। और यहाँ पर झूले वगैरह रहते हैं, जैसे ही आप कोई होटल वगैरह में जाते हो तो रेस्ट करने के लिए झूले वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, वीडियोज़ बनाए, इंस्टाग्राम रील्स बनाए, जहाँ पर देखो वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक किए। और यहाँ पर ना हमने पोहा ऑर्डर किया था, बट यहाँ पर पोहा बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है आपको बता दूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कोकन बहुत अच्छा है आपके लिए खाने वगैरह के लिए, और अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए, मतलब वेजिटेरियन खाना इतना अच्छा नहीं मिलता है। और उसमें भी आप अगर विदर्भ से हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी, मतलब आप वेजिटेरियन हो तो, क्योंकि हमारे इसमें कुछ वेजिटेरियन थे और कुछ थे नॉन वेजिटेरियन, तो हमारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे वेजिटेरियन वालों को। और पोहा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब पता नहीं क्यों हमारे यहाँ के जैसा पोहा नहीं बनता है। और
नॉनवेज बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब जो हम लोग घर पे नहीं खाते हैं, हमें नहीं बनाना आता है, जो विदर्भ के लोग हैं उन्हें नहीं बनाना आता है, सुरमई पापलेट वगैरह ये वो, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मज़ा किया। मतलब वहाँ पर नॉनवेज बहुत ज़्यादा अच्छा मिला हमें, जो नॉनवेज खाते थे उन लोगों को बहुत मज़ा आया, बट जो नॉनवेज नहीं खाते थे हमारे इसमें, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई खाने पीने में वहाँ पर। और ये है हमारा जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया था, तो पहुँच गए हम लोग यहाँ पर, बस यहाँ पर रेडी हो गया है और निकलने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पर ही हमें टाइम हो गया, पता नहीं अभी कहाँ जाएंगे, वहाँ पर जाके ही पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लेट हो गया है हमें। और इसी वजह से ना पता नहीं अभी जो प्लान हुआ था वो सक्सेस होगा या नहीं, तो चलिए अभी। एक्चुअली वहाँ पर ना कपड़ों में इतनी ज़्यादा रेत लगी थी, बालों में इतनी ज़्यादा रेत घुस गई थी कि हमें हेयर वॉश वगैरह करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और इसी चक्कर में हमें लेट हो गया यहाँ से निकलने के लिए। तो अभी निकलने ही वाला है जस्ट, बट मैंने सोचा चलो उससे पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ और आपको बता भी देती हूँ कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं इसके बाद, क्योंकि हमारा जो प्लान था वो सब बोल रहे हैं कि अभी वो सक्सेस नहीं होगा जहाँ पर अभी जाने वाले थे हम लोग, क्योंकि पता नहीं अभी क्या होगा, जो भी होगा आगे बता दूंगी आपको। आज मैंने पहना है ये टील कलर का, टील ब्लू कलर का वन पीस, तो मैं अपना फुल लुक भी दिखाने के लिए बोलती हूँ माही को। तो बस काशिद बीच पे एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए थे हमारे होटल रूम पे, बट वो ना जो होटल रूम है वो घर के जैसी फीलिंग देता है, घर ही बना के रखे हैं यहाँ पर सब लोगों ने जो रेंट पे देते हैं। आप लोग अगर एक दिन स्टे करना चाहते हो, दो दिन या कितने भी दिन आप स्टे करना चाहते हो, वो रेंट पर ले सकते हो आप। और हम लोग ना रात को रहते थे यहाँ पर, मतलब रात को स्टे करते थे रात भर, तो इसी वजह से हम 3 रूम्स लेते थे और पर रूम्स का 1500 हम लोग उनको पे करते थे, और हम लोगों को गद्दे वगैरह एक्स्ट्रा लगते थे तो उसके हम लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते थे। कुछ जगह हम लोगों ने एक्स्ट्रा चार्जेस दिए, कुछ जगह नहीं दिए, तो जिन जगह दिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा चार्जेस वो रहते थे 150 200 ऐसे चार्जेस एक गद्दे के लगते थे, तो वो हम लोगों ने वहाँ पर पे किए कई कई जगह पे, और कई कई जगह पे हम लोगों ने मतलब हमें उन्होंने वैसे ही दे दिए थे गद्दे। तो क्योंकि तीन जो रूम्स थे तो 3 रूम्स में तो इतने सारे लोग नहीं आ सकते थे, तो इसी वजह से हम लोगों ने रेंट पे गद्दे लिए थे। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं मुरुड जंजीरा फोर्ट पे, तो मुरुड जंजीरा फोर्ट जाने वाले हैं इसके बाद हम लोग। और यहाँ पे नज़ारा ना इतना अच्छा नज़ारा है गोकन का, जहाँ आप देखोगे मतलब जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी और समुंदर ही समुंदर दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा है, मतलब आप ना जो रोड ट्रिप है, मतलब आप जो ट्रैवलिंग करोगे ना तभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो। बाहर से अगर आप खिड़की से बाहर देखोगे ना, जहाँ देखो वहाँ आपको समुंदर ही दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार, मैंने तो कोकन में जितने भी दिन स्पेंड किए ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ के लोगों को इतना नहीं लगता होगा क्योंकि वही वही देखते हैं वो लोग, बट जब हम लोग वहाँ पर वैकेशन पे जाते हैं और वहाँ पर इंजॉय करते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक बार कोकन में ज़रूर जाके देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और ग्रीनरी का तो इनको वरदान ही है, शायद आपको यहाँ पर जो नारियल के पेड़ है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ती हाँ हाँ बोली गे नहीं ग सारख वाटे सारख है ती हाँ तीस घे हिच घे हिच घे हाँ है छोटी होते गे मग ती खाल की ना देते खाई खाली बग ना ती बोली है हाँ आपली घेतलेली आहे ना आपण ती हा तू घेतली का घेतली का बघू घे ना ती ती फुलावाली नाही चांगली वाटत का ती ती चांगली वाटते फुलांची
हाँ हाँ हीच ती फुलांची चांगली वाटते. हाँ हाँ हो गं हो गं सॉरी काय कोण देना बघू देना वर बघ वर अर्धा घंट्यामध्ये जाण्यासाठी बनणार आहे लवकर चल चल घे लवकर. फाइनली जा रहे हैं हम लोग मुरुड जंजीरा फोर्ट और यार काफ़ी लेट हो गया हमें, मतलब 4:30 बज गए यहाँ पे ही और 5 बजे एंट्री जो है वो बंद होती है, मतलब यहाँ से जाना बंद हो जाता है आना शुरू रहता है. बट हमें लकीली आधा घंटा हम लोग पहले आए तो टिकट ले रहे हैं, बस वही चल रहा है और यहाँ से जाएंगे अभी मुरुड जंजीरा फोर्ट. वहाँ पर दिखाती हूँ आपको क्या क्या है. यहाँ पर पहले एंट्री के लिए टिकट्स लेनी पड़ती है, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं मुरुड जंजीरा फोर्ट में. और वहाँ पर ना टिकट्स इसके लिए लेनी पड़ती है, एंट्री करने के लिए बाद में लेनी पड़ती है, बट बोट के लिए पहले टिकट्स लेनी पड़ती है. और यहाँ पर हम लोग बोट में जाएंगे, इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो ऐसे ये है पुल है, उसके ऊपर से आपको जाना पड़ता है बोट में, उसके बाद बोट आपको छोड़ देती है मुरुड जंजीरा फोर्ट में. और वहाँ पर आपको जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब आप यहाँ पर जो भी चीज़ें देखोगे ना, जो भी जहाँ पर भी घूमोगे ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. और जितने भी दिन घूमोगे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो आप यहाँ पे. और आप देख सकते हो यहाँ से आपको उतरना पड़ेगा, इस तरह से आपको यहाँ पर बोट दिख जाएगी, बड़ी बड़ी सी बोट है, मतलब काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं इसमें. और उसके बाद आपको वो छोड़ेगी मुरुड जंजीरा फोर्ट पर. और फोर्ट तो काफ़ी पुराना है वो, मतलब पूरा पत्थर से बना हुआ है, और आपको वहाँ पर जाने के बाद दिखाई दूंगी मैं किस तरह से है. बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब जहाँ पर भी देखो वहाँ पर हम लोगों को बोट से ही जाना पड़ता था ना, तो इसी वजह से काफ़ी मज़ा आता था बोट में बैठने के लिए. और वहाँ पर हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते थे, उसके बाद हम लोग वहाँ पर वीडियोज़ वगैरह लेते थे. और समुद्र में, मतलब जहाँ देखो आजू बाजू में समुद्र ही समुद्र, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था यार. और ये दिन ना याद रहेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा किया हम लोगों ने. और आपको अगर घूमना है, कहीं जाना चाहते हो आप, अगर समुद्र का मज़ा लेना चाहते हो, तो कोकण में एक बार ज़रूर आना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको. और आप देख सकते हो जहाँ पर भी देखो, जैसे बोट में बैठते ना, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा, और बहुत मज़ा आएगा. जिन लोगों को पानी से डर लगता है, जो लोग पानी से डरते हैं, उन लोगों का पानी का डर तो यहाँ पर भाग ही जाएगा, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी उनको दिखाई देगा. और आप दूर से देख सकते हो ये है जंजीरा फोर्ट. और यहाँ से ना, मतलब इसकी जो खासियत आपको बता दूँ, इसकी खासियत ये है कि आप जब तक आप पास नहीं जाते हो तब तक आपको इसका डोर दिखाई नहीं देगा, मतलब इसका दरवाज़ा कहाँ है वही दिखाई नहीं देगा आपको. बट जब आप पास में जाओगे ना, तब आपको वो थोड़ी सी भीड़ दिखाई देगी वहाँ पे, तब पता चलेगा कि यहाँ पर इसका डोर है और वहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं. तो फाइनली आ गए हम लोग जंजीरा फोर्ट के पास, और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, मतलब लेट हो गया था ना, इसी वजह से हम लोग बहुत लेट गए थे. हम लोगों को लगा भी नहीं था कि हम लोग अंदर जा पाएंगे, बट लकीली हम लोग अंदर जा पाए और उसके बाद हम लोग वहाँ का मज़ा भी ले पाए. और यहाँ से हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा, नीचे बहुत देख देख के संभल संभल के हम लोगों को चलना पड़ रहा था यहाँ पे. और फिर अच्छे से हम लोग वहाँ पर अंदर तक पहुँच गए, उसके बाद ऊपर चढ़े ना तो बहुत टाइट हो गई थी, मतलब हालत टाइट हो गई थी, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ा. उसके बाद ना आप देख सकते हो यहाँ से भी हमारी पूरी गैंग ही थी यहाँ से अंदर, मतलब पानी ना पूरे सीढ़ियों तक आ जाता है बोलते हैं, जब पानी का बहाव बढ़ जाता है ना तो बहुत ऊपर तक आ जाता है बोलते हैं पानी. और उसके बाद तो जब आप अंदर आते हो तो यहाँ पर भी आपको एंट्री करनी पड़ती है, यहाँ पर एंट्री जो टिकट है वो लेनी पड़ती है यहाँ पर फोर्ट घूमने की, और उसके बाद हम लोग फोर्ट घूम सकते हैं. तो वहाँ पर वो जो कोना आपको दिख रहा है खिड़की जैसा, वहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप जा सकते हो. और सब लोग कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताना. तो गाइस फाइनली पहुँच गए हम लोग जंजीरा फोर्ट, और हालत टाइट हो गई है ऊपर चढ़ते चढ़ते. यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं ना वो इतनी ऊँची ऊँची हैं, आपको क्या बताओ, और पूरा खंडर जैसा, मतलब आपको बता रही हूँ एकदम. तो यहाँ पर पीछे आप देख लो, बिल्कुल खंडर जैसा है, मतलब इतने दिनों का ये फोर्ट है तो होगा ही ऐसा. ठंडी बहुत चल रही है, बहुत थक गए थे वैसे ऊपर चढ़ते चढ़ते, बट ऊपर आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं. सारे फैमिली मेम्बर्स ही है.
यहाँ से आप सबसे ऊपर जो झंडा देख रहे हो ना, तो वहाँ पर हम लोग गए थे और चढ़ते चढ़ते भी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। बहुत ऊँची ऊँची सीढ़ियाँ है यार यहाँ की, बट चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब आए हैं यहाँ पर तो एंजॉय कर लो। और नीचे जाके मैं एक कुआँ दिखाती हूँ आपको। कुएँ मीन्स यहाँ पर ना पानी स्टोर होता है, सारे समुद्र का पानी जो है वो नमकीन पानी है, नमक वाला पानी है पूरा। और यहाँ का ही जो पानी है ना वो मीठा पानी है, पता नहीं कैसे ये है, मतलब ये चमत्कार जैसा ही है, ये खासियत है यहाँ की। तो यहाँ से हम लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ है। यहाँ पर हम लोग 26 जनवरी को आए थे, मतलब 26 जनवरी को, तो इसी वजह से झंडा फड़काया था यहाँ पर, तो वो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। और यहाँ का नज़ारा आप देख लीजिए। यार इतना ज़्यादा थक गई ऊपर आने तक, इतनी लंबी लंबी मतलब ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं यहाँ की, आपको क्या पता। ऊपर ना झंडा चढ़ाया तो इसी वजह से यहाँ पर आए थे हम लोग सबसे टॉप पे। और यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर लगता है यार फोर्ट। यहाँ से पूरा समंदर ही समंदर, जहाँ देखो वहाँ समंदर ही समंदर, उसके बाद में पहाड़ और बहुत अच्छा लगता है। ये वाला नज़ारा बहुत सुंदर लगता है यहाँ से नज़ारा। टेस्ट करून सांग मला कसं आहे। अरे मीठ टाकलं त्यांनी। हाउस तो चलिए यहाँ पर सब कुछ देख के निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। और हाँ, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। तो इसके बाद का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। ये ब्लॉग जैसे आपको पसंद आया वैसे ही आपको नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगने वाला है, इससे ज़्यादा हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं। आगे आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आपके लिए। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, उस पर ऑल पे क्लिक करना ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, और दोनों चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको पिक्स और रील्स आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे पूरे ट्रिप के। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जाते जाते लाइक बटन ज़रूर दबा देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।